दोस्तों हॉट स्टार पर इक्को नाम से एक मिनी टीवी सीरीज आई है जिसको स्पॉटलाइट के नाम से प्रमोट किया जा रहा है, जो एमसीयू यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है। इसमें जो लीड एक्टर्स है ना, इससे पहले उसको हम होकाई सीरीज में देख चुके हैं। मैंने इस सीरीज के सारे एपिसोड देख लिए हैं। तो कैसी है सीरीज, आइए बात करते हैं। क्या ये सीरीज आपको एंटरटेन करती है? ना। क्या ये सीरीज बिंज वॉच है? ना। और क्या इस सीरीज के लिए अपना कीमती टाइम और डाटा देना वर्थी है? ना भाई ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है अशोक कुक्कर और आप देख रहे हैं कुक्कर रिव्यू पॉइंट। बात करें स्टोरी लाइन की, दोस्तों कहानी है माया लोपेज की, जो बोल और सुन नहीं सकती, जिसका एक पैर भी नहीं है, और वो अपने पिता के साथ अपना घर बार छोड़कर न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो जाती है। लेकिन उसका अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ता, जिससे उसकी जान को भी खतरा है। लेकिन क्यों और किससे, इसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी, जिसमें टोटल 5 एपिसोड है जो लगभग 40 से 45 मिनट लंबे है। यानी कि पूरी सीरीज को बिंज वॉच करने के लिए आपको 3-3.5 घंटे के आसपास का टाइम लगेगा। इन द मीन टाइम अगर इस सीरीज का रिव्यू मैं एक लाइन में करूं तो बस मैं यही कहूंगा कि यह सीरीज एमसीयू यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा तो है, लेकिन इसकी कहानी बहुत ज़्यादा कमजोर है भाई। तो अगर आप इस सीरीज की तरफ ना ही जाए तो अच्छा रहेगा, आपका टाइम और डाटा दोनों बचा रहा हूं भाई। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों इस सीरीज में माया लोपेज का जो किरदार निभाया है, आई थिंक इस एक्ट्रेस का नाम अल्कावा कोक्स है, जिसने काम काफ़ी दमदार किया है भाई। और इनका एक पैर रियल में ही नहीं है, प्रोस्थेटिक पैर लगा हुआ है जो हमें सीरीज में दिखाया गया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज एक्शन सीक्वेंस बहुत ज़्यादा दमदार थे भाई। पूरी सीरीज को वो लीड कर रही है, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। और दोस्तों इस सीरीज में जितनी भी सपोर्टिंग कास्ट है ना, सबका काम ठीक ठाक था, यानी कि परफॉर्मेंस वाइज तो यह सीरीज अच्छी है जो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। बात करें पॉजिटिव की तो दोस्तों इस सीरीज का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बस यही है कि यह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है, और सीरीज की सिनेमाटोग्राफी भी ठीक ठाक है। एक्शन सीक्वेंस को बहुत अच्छे तरीके से शूट किया गया है। बाकी इसके अलावा सीरीज में एक भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं लगा भाई। बात करें नेगेटिव की तो दोस्तों सीरीज का स्क्रीन प्ले एक्सट्रीमली स्लो फील होगा, जो आपको बोर कर सकता है भाई। सीरीज की कहानी भी कमजोर है, यानी कि जब तक माया लोपेज स्क्रीन पर रहती है तब तक तो ठीक है, नहीं तो भाई कहानी ट्रैक से उतर जाती है, जो ट्रैक पर वापस आती भी नहीं है, जो आपको निराश करेगी। सीरीज में जो CGI और VFX दिखाए गए हैं ना, वो भी इतने दमदार नहीं लगे भाई। कहीं कहीं पर तो बिल्कुल फेक लग रहे थे, स्पेशली ट्रेन वाला सीन, इसको थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहिए था। और भाई इस सीरीज में एक्शन सीक्वेंस भी बहुत कम है, जिसको थोड़ा और ज़्यादा दिखाना चाहिए था, क्योंकि यार जब भी हमारे दिमाग में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का नाम आता है तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक्शन आता है, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर मिसिंग थी भाई। अब बात आती है कि सीरीज को क्यों देखें। दोस्तों बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको मार्वल की फिल्मों में इंटरेस्ट है तो आप इस सीरीज को झेलने का रिस्क उठा सकते हो। रही बात पैरेंटल गाइडलाइन की, सीरीज 16+ के साथ आती है तो इस सीरीज से बच्चे तो दूर ही रहे। मेरी तरफ से इस सीरीज को मिलेंगे 2.5 out of 5 star। बाकी इसकी कमजोर कहानी और स्लो स्क्रीन प्ले के लिए 2.5 star तो आराम से कटा जा सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू सीरीज इक्को के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। बाय।